वीडियो में तुमने अभी देखा मेरी एक मुर्गी यानी कि इस वाली मुर्गी, ये जो सामने खड़ा है तुम जैसे देख सकते हो वाइट वाइट, इस वाली मुर्गी की एक आंख भाई एक तरफ आंख खुली नहीं रही, और जैसे इसके पास जाता हूँ वो थोड़ी देर के लिए खोल लेता है लेकिन बार बार वो अपनी आंख बंद कर लेता है, और फिलहाल अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो उसको क्या हुआ था हम तुमको बताते हैं, और तुम्हारी मुर्गियों में भी ऐसा अगर होता है तो किस वजह से होता है ये भी तुम्हें अभी हम बताएंगे, और कैसे ठीक करोगे तुमको हम ये भी इसी वीडियो में बता देंगे। और अगर नहीं हुआ है तो भाई इस वीडियो को पूरा देख लो, और जो मैं बता रहा हूँ वो करो भाई, तुम्हें आगे फ्यूचर में ऐसी दिक्कत, ऐसी आंखों की दिक्कत तुम्हें कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगी फ्यूचर में तुम्हारे मुर्गों के ऊपर। सो hey guys, welcome back to another knowledgeable video. आप देख रहे हैं Farming Universe 69 और हमारा नाम है साहिल, और ये है हमारा सोनाली मुर्गी का फॉर्म जो कि 200 स्क्वायर फीट का है, और यहाँ पर 100 सोनाली मुर्गियां हैं जो कि अभी लगभग 4 महीने की कंप्लीट होने वाली है। और वीडियो को शुरू से लेकर इन तक जरूर से देखना, वीडियो में अगर जो बताई हुई इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हें पसंद आती है, वो तुम्हारे कोई भी फायदे के लिए होती है, तो भाई साहब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना बिना टाइम वेस्ट करें। अब बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। मुर्गियों में जो आंखों का इन्फेक्शन होता है भाई, आंखों में कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे कुरेजा वगैरह हो या फिर कोई भी, इनकी आंखों में चाहे पानी आ रही हो या फिर सूजन हो या फिर गंदगी आ रही हो या फिर ये खोल नहीं रहा, जैसे मेरा मुर्गा अभी था भाई ये खोल नहीं रहता, बाकी इसके अलावा ना कि मेरे मुर्गे में ना तो उसकी आंखों में पानी आ रहा था ना ही फिर कोई गंदगी आ रही थी ना कुछ, बस ये सिर्फ अपनी आंखें बंद कर ही ले रहा था, और भाई बंद कर ही ले रहा था, एक तरफ की आंख पूरी खुली थी दूसरी तरफ की आंख खोल ही नहीं रहा था जब तक इसके पास ना जाओ या फिर इसको दौड़ाओ नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले मैं तुमको कारण बताता हूँ ऐसा क्यों होता है अक्सर, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। तो जहाँ पर तुम देख सकते हो भाई एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है मतलब सूखी है, और उधर तुम देख सकते हो गीली है। तो अभी क्या हुआ था कि मौसम अभी तो धूप निकला स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी एक टाइम पे ऐसा था कि भाई कई कई दिन तक धूप निकल ही नहीं रही थी, और उसकी वजह से भाई पूरे फार्म के अंदर उस साइड जहाँ पर हम लोग हरी सब्जी देते हैं, तुम यहाँ पर देख सकते हो इस तरफ हम लोग अपनी मुर्गियों को हरा चारा देते हैं जो कि सुबह के टाइम, और शाम के टाइम तो इन फीडरों में हम लोग फीड देते हैं, तुमको तो ये पता होगा अगर तुम ऑलरेडी हमारी वीडियोज़ देखते हो। तो काफ़ी मुर्गियाँ हमारी जैसे वहाँ देखो वहाँ लेटी हुई हैं, तो वहाँ लेटती है और काफ़ी इन डंडों पर बैठती हैं, लेकिन जब ये खाना खाने के लिए नीचे आती हैं तो भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गीला गीला था, मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो चुका था धूप ना निकलने की वजह से। अब तो फिलहाल धूप निकलती है, सुबह चाहे जितना गीला हो दोपहर तक में पूरा पूरा एकदम मेंटेन हो जाता है, टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो यही सीलन की वजह से ज़्यादातर यही कारण होता है मुर्गियों की आंखों में जो बीमारियाँ वगैरह होती है, कुरेजा वगैरह या फिर जो भी बीमारी हो, तो ऐसा ही होता है ज़्यादा गीला हो जाता है तुम्हारा फॉर्म या फिर एकदम ही सूखा हो जाए, मतलब कि इतनी कस के धूप निकले इतनी ज़्यादा मतलब लू चले कि एकदम तुम्हारा फॉर्म सूखा सूखा हो जाए, मतलब कहीं पानी का नामो निशान ना रहे, कहीं से नमी का नाम निशान न रहे, तो भी भाई ये आंखों की प्रॉब्लम तुम्हारी मुर्गियों के साथ हो जाती है। तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि एकदम नॉर्मल भी नहीं, मतलब एकदम सूखा भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रखना। तो तुमको बताएं कि भाई टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखना है, अगर सर्दी का टाइम चल रहा है और तुम्हारे फॉर्म में सीलन टाइप में आ रही तो तुम्हें पता है भाई लकड़ी की भूसी आती है या फिर चावल की भूसी आती है, भाई अपने पूरे फॉर्म में बिछा दो और हर 15-20 दिन में या फिर महीने भर में, फॉर्म ज़्यादा बड़ा हो तो भाई दिक्कत होती है ज़्यादा जल्दी जल्दी साफ करने में, लेकिन यह है कि महीने भर के अंदर 30-40 दिन के अंदर अपनी भूसी को क्लियर कर दो और सूखी भूसी फिर से डाल दो, जिसकी वजह से फॉर्म भाई मेंटेन बना रहेगा और ना ही ज़्यादा गीला हो पाएगा और ना ही बिल्कुल सूखा। यही सेम चीज़ भाई गर्मी के टाइम पे होती है, तो तुम्हें बस इतना करना है अपने फॉर्म पे सारी मुर्गों को एक साइड करना है, और दिन का टाइम हो जब धूप भाई प्रॉपर निकली हो गर्म गर्म माहौल एकदम, तो बस एक बाल्टी पानी कम से कम एक तरफ अपने फॉर्म में डाल दो, यानी ना ही ये नहीं करना कि तुम्हें पूरे फॉर्म में डालना है, बस एक साइड पर थोड़ा थोड़ा गीला कर दो ताकि इनका नॉर्मल रहे टेम्परेचर और ये मुर्गियाँ भाई उधर जाके भी भाई अपना टेम्परेचर नॉर्मल कर ले और सब मेंटेन हो जाए, मतलब इनको बिल्कुल भी सूखा मतलब एकदम से सूखा सूखा बिल्कुल ना हो। फिलहाल मेरे मुर्गे और मुर्गियां लगभग 4 महीने के होने वाले हैं सिर्फ 4-5-6 दिन के अंदर, और इनका साइज देख के तुम बता सकते हो भाई क्या ही साइज आया है इनका, ये सभी के सभी सोनाली मुर्गे हैं और यहाँ पर पूरे फॉर्म में 100 मुर्गे हैं, और दिन में देता हूँ एक टाइम में ऐसे इनको हरा फीड, और देखो ऐसे मैंने बांस के डंडे गाड़ रखे हैं, और तुम भी अगर फार्म करे हो और तुम्हारे पास सोनाली ब्रीड है तो भाई अपने फार्म में ऐसे ऐसे डंडे बांधो भाई, इन्हें ऊपर बैठना बहुत ज्यादा पसंद है बहुत ज्यादा, और बाकी की मुर्गियां देखो उधर सूखे सूखे में बैठी हुई है, उधर भूसी पड़ी अभी भी तुम यहाँ पर देख सकते हो, और देखो इन्होंने गड्ढे वगैरह कितने कर रखे हैं भाई, अब ये कुछ दिन में अंडा देना भी स्टार्ट करने वाली है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई अंडे कितने मिलने वाले हमें 100 सोनाली मुर्गियों से। और अब मैं तुमको लास्ट बात बताता हूँ जो कि बहुत ही नॉर्मल है, और जिस मुर्गे को ये बीमारी हो गई है उसको क्या करना है, मान लो अभी तो ये पूरे फॉर्म को बचाने के लिए जिस वजह से मतलब फॉर्म में बीमारी वाली ना आए, आंखों में कोई भी इन्फेक्शन ना हो, लेकिन जिसको हो गया है उसको तुम्हें क्या करना है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ मार्केट में जाकर जहाँ वेटनरी वाली शॉप में मतलब जाकर जहाँ गाय वगैरह और मुर्गियों वगैरह
वगैरह की दवा मिलती है, तो वहां पर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एक आई ड्रॉप आती है, उसे ले लो और बस एक एक बूंद जिस साइड, अगर दोनों साइड में है तो एक एक बूंद दोनों तरफ, और अगर एक साइड में हो तो एक तरफ। भाई ये एंटीबायोटिक होती है और बहुत बढ़िया काम करती है, इनकी आंखों की गंदगी इतनी तेजी से निकलेगी तुम खुद ही देखना भाई, तुम्हारे सामने मतलब 5 मिनट होंगे भी नहीं डालते हुए और जितनी तेजी से इनकी गंदगी तुम्हें दिखाई भी नहीं देगी कहां से निकलना शुरू हो गई, इनकी आंखों की जितनी गंदगी है सब चली जाएगी और रेडनेस भी खत्म हो जाएगी। और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एकदम नॉर्मल है, तुम्हें हर मार्केट में मतलब हर शॉप पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर तुम्हें ये दवा नहीं मिलती, ये ऑइंट नहीं मिलता, तो तुम्हें टोबरा डी ले लेना है, टोब्रामाइसिन होता है भाई डेक्सामेथासोन के साथ, वो ले लेना, उसे भी एक ही एक बूंद लगभग दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम उसे डालना, और भाई तुम्हारी आंखों की रेडनेस वगैरह बहुत जल्दी, डेक्सामेथासोन होता है तो रेडनेस बहुत जल्दी खत्म करेगा और आंखों का इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा तुम्हारी मुर्गियों के अंदर और वो ठीक हो जाएंगी। और फिलहाल तुम देख लो, अगर तुम्हारी मुर्गियाँ सिर्फ मेरे मुर्गे की तरीके जैसे सिर्फ आँख बंद कर रही हैं, तो तुम पास से देखो कि उसकी आँखों में कुछ लग तो नहीं गया, क्योंकि ये कभी कभी मुर्गे आपस में फाइट करते हैं तो ये एक दूसरे को मतलब हिट कर देते हैं, जिसकी वजह से भाई वो आँख बंद कर लेती है और हमें लगता है कोई इन्फेक्शन हो गया, हम लोग दवा डालने लगते हैं ये वो। तो थोड़ा तुम उन्हें टाइम दो, मतलब कि सुबह से अगर तुमने देखा तो शाम तक तुम देखो कि आँख वो खोलने लगा कि नहीं, अगर वो नहीं खोलता, उसकी आंखों से गंदा गंदा कुछ निकलता है या फिर रेड हो जाते हैं, तब तुम इन आई ड्रॉप को डालो, वरना तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, एक दो दिन के अंदर। और सेम मेरे मुर्गे का भी हाल यही था, अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें कौन सा वाला, ये वाला था भाई, इसको मैंने देखा, मुझे पता चल गया था भाई इसकी आंखों में कोई इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि भाई ये सिर्फ आंख बंद करे था, इसकी आंखों से ना तो गंदगी निकल रही थी, ना ही इसकी आंखें लाल थी और बहुत नॉर्मल सा था, और ये खाना पीना भी अगर थोड़ा छोड़ता ना खाता तो भी भाई टेंशन लेने वाली बात थी, लेकिन यहाँ पर इसने खाना पीना भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल दौड़ के खा रहा था और बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम एक्टिव था, तो मुझे पता चल गया था भाई इन्फेक्शन नहीं है, फाइट की वजह से हिट हुई वो चोट है। तो मैं बताई गई इन्फॉर्मेशन तुम्हें कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर से बताना। और ये 100 सोनाली की मुर्गी है सारी, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तीसरी बार बता चुका हूँ, और बहुत जल्दी अंडे भी देने वाली है, तो तुम्हें अगर जानना है, अगर तुम फर्स्ट हो मतलब बिगनर हो, तुम्हें पहली बार अगर तुमने फार्म डालना है या फिर डालने वाले हो, और तुम्हें जानना है कि ये सारी मुर्गियाँ अंडे कितने देंगी और इनका वेट क्या क्या आया है, तो बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ, तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहेंगे फ्यूचर में। बस आज की वीडियो में इतना, यहाँ से करते अपने वीडियो गाइड, मिलेंगे तुमको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।